दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसी के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है इसमें तीन तरह की वैकेंसी आती हैं और तीनों की तीनों तरह की वैकेंसी का दोस्तों आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की दोस्तों आरटीआई का रिप्लाई आना स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल दोस्तों 200 प्लस वैकेंसी का चार्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। इन दोनों की टोटल वैकेंसी रिपोर्ट टिल नाउ यानी कि सभी तरह के डिपार्टमेंट को मिलाकर अभी तक टोटल वैकेंसी कितनी रिपोर्ट हो चुकी है ये भी हम इस वीडियो में लास्ट में देखेंगे। 10 टाइप ऑफ वैकेंसी चार्ट यानी कि 10 तरह की टोटल जो हुआ वैकेंसी का चार्ट हम देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक भी अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको SSC से रिलेटेड सारे के सारे एनालिसिस और सबसे फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दो है ये चैनल आपको देगा ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, ठीक है। इतनी वैकेंसी का चार्ट दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूट्यूबर्स या टीचर्स के पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मन करे तो आप जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। अपने दोस्तों एक ऐप है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से ही, उसमें एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, ठीक है। यानी कि टेस्ट सीरीज है या टेस्ट PDF है। इसमें दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपने जाना इस पेड कोर्स में और बहुत सारे कैंडिडेट ने ले भी लिया है, उनको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और बता दूं क्योंकि कुछ को मिलता नहीं है। तो पेड कोर्स में जाने के बाद जब आप पेड कोर्स ले लेंगे तो इसमें एक रिकॉर्डेड सेक्शन है, एक टेस्ट का सेक्शन है। टेस्ट वाले सेक्शन में तो दोस्तों आपको सीजीएल और CHSL के इस तरह से जो आप जो है मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं पूरा का पूरा प्रॉपर जो मॉक टेस्ट होता है वो वैसा आपको जो है यहां पर मिलेगा, ठीक है। और इसके रिकॉर्डेड सेक्शन में क्या मिलेगा आपको SSC सीजीएल 2021 2022 और 2023 यानी कि टोटल 21-22-23 के 100 सेट हो गए। 100 सेट के दोस्तों हर सब्जेक्ट की PDF जो है आपको मिलेगी क्वेश्चन की, ठीक है। साथ ही साथ उसमें आंसर भी लगे हुए, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर की आपको PDF मिलेगी। इसी तरह CHSL की मिलेगी, CPO की मिलेगी, MTS की मिलेगी, GD की मिलेगी, सिलेक्शन पोस्ट की, SSC दिल्ली पुलिस की, जो भी SSC दोस्तों कंडक्ट करवाती है पेपर सारे के सारे पेपर आपको दोस्तों यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल 60,000 के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं मात्र 149 रुपीज में। इससे सस्ता दोस्तों नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जिसने ये बनाया दोस्तों इतनी मेहनत से बनाया, ठीक है। मैंने खुद ने तो बनाया नहीं है तो इतना तो दोस्तों उसका बनता ही, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अब दोस्तों CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है डिपार्टमेंट, ठीक है। जिस कैंडिडेट को बिल्कुल भी नहीं पता एक मोटा मोटा आइडिया देता हूं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 3 या 4 स्टेट्स के अंदर है इनके ऑफिसेज, ठीक है, जिसमें MP है, UP है, राजस्थान है और कुछ जो है इसकी पोस्टिंग दिल्ली में भी होती है, ठीक है। MP, UP और राजस्थान इन ही जगह पे इनकी पोस्टिंग होती है। ये अफीम जो का काम होता है, ठीक है, अफीम यानी कि जो अफीम को रोकने का यानी कि उसका जो है गलत यूज ना हो। अफीम की दोस्तों खेती होती है इन में, ठीक है, इन स्टेट्स में जो है खेती होती है और उसका गलत प्रयोग न हो, उस गलत प्रयोग को रोकने के लिए ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है डिपार्टमेंट बनाया गया है। अब दोस्तों कहते हैं कि खेती क्यों करते हैं, फिर खेती इसलिए करते हैं क्योंकि जो दर्द निरोधक यानी कि जो दर्द को जो पेन रिलीफ दवाइयां हैं उनमें दोस्तों अफीम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसका लिमिटेड जो है खेती करनी होती है, एक किसान को लिमिटेड ही देते हैं कि ये किसान जो है इतनी खेती कर सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा खेती नहीं कर सकता है। अब थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं इसकी वैकेंसी के बारे में। इंस्पेक्टर की वैकेंसी दोस्तों इसके अंदर आई है 15 वैकेंसी, ये होती है आपकी 4600 ग्रेड पे जो यानी कि ASO इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक्साइज इंस्पेक्टर उसके रैंक की। 2400 ग्रेड पे की सब इंस्पेक्टर की दोस्तों तो इसके अंदर 18 वैकेंसी आई है और एक होती UDC अपर डिवीजन क्लर्क इसके अंदर 40 वैकेंसी आई है, ठीक है। तो यानी कि जो मेनली जो पावर है दोस्तों सबसे ज्यादा जो पावर रहेगी वो तो इंस्पेक्टर के पास रहेगी इसमें। और फिर सब इंस्पेक्टर के पास भी दोस्तों जो है एक रेंज का ये लगा लो, एक रेंज के अंडर में यानी कि जो अफीम का किसको लाइसेंस देना है ये दोस्तों सब इंस्पेक्टर देखेगा, ठीक है, अपने बॉस को बताएगा, उसके इसके भी साइन होंगे, वो फिर मेजरमेंट करके आएगा खेत में कि ये जो है सब इंस्पेक्टर मेजरमेंट करके इस किसान ने जो है इतनी खेत इतनी इसको जमीन जो है दी जाती है, क्या इसने जब फसल बोई जाती है उसके बाद ये देखने जाता है कि क्या ये जो फसल है जो हमने बताई उतनी बोई है या नहीं बोई है। फिर दोस्तों इसका मेजरमेंट की कितनी अफीम उसके अंदर जो है OPM जो है हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज दोस्तों जो है मैंने इनसे ही जाने हैं। और UDC होता है ये क्लरिकल स्टाफ के तरह जो है काम करता है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जो हो जाता है यानी कि मेनली इसके पास भी अच्छी खासी पावर होती है और इसके पास तो दोस्तों होती ही है। अगर मैं बात करूं AU in ED उससे भी दोस्तों पावरफुल पोस्ट है अगर मैं बात करूं सिर्फ इन स्टेट्स के में, बाकी दोस्तों ये सर्च इधर करने के लिए बहुत सारे स्टेट्स में भी जाते हैं, ठीक है, फील्ड का काम बहुत रहता है इनको, ठीक है, और फील्ड का काम जिसको नहीं करना वो UDC की पोस्ट पर जा सकता है, ठीक।
तो ये दोस्तों, बाकी मैं एक डिटेल में दोस्तों इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि प्रमोशन है, ट्रांसफर भी दोस्तों इनके आपस में, जैसे मान लिया एमपी मिल गया यूपी में जा सकते हैं, फिर राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, ठीक है, ऐसे जो आपकी ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है, एक जगह आपको नहीं टिकने देते हैं। तो ये चीजें हैं, बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका चार्ट मैं अलग से बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मोटा मोटा दोस्तों डिपार्टमेंट, बहुत यानी कि पावरफुल जो है डिपार्टमेंट है एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ठीक है, जो एईओ इन ईडी है वो सिर्फ क्या है कि वो ऑल ओवर इंडिया में है और उसके ऊपर अकेला एईओ जो है कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसके बाद बहुत सारे आगे फर्दर जो प्रोसेस रहते हैं और इनमें जो है स्टार्टिंग में ही अच्छी खासी पावर आ जाती है, ठीक है, बाकी अपनी अपनी सोच है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों चीजें जो है आपको, और हाँ, इसमें एमपी यूपी और राजस्थान में कहां पर जो है कौन से सिटी के अंदर जो इसके ऑफिसेज होंगे, इसका भी चार्ट दोस्तों मैं अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2024 के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है इस पे मैं डाल दूंगा, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर यहां पर डाल रखी। अब बात करें दोस्तों पुणे जोन में इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के बारे में, इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की दोस्तों 19 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, ठीक है, और टैक्स असिस्टेंट दोस्तों 144 वैकेंसी जो है यहां पर रिपोर्ट हुई है। ये दोस्तों मेरे पास आरटीआई का रिप्लाई सेंड किया है मयूर पटेल, इनको क्रेडिट जो इसका जाता है, तो 14/5 का यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जो आरटीआई का रिप्लाई है। तो यहां पर सैंक्शन कैटेगरी वाइज वैकेंसी दोस्तों यहां पर नहीं बताई गई है, इसके लिए भी दोस्तों ऑलरेडी जो है आरटीआई लगा चुके हैं, उसका रिप्लाई जैसे आएगा कैटेगरी वाइज भी मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी और के पास भी आरटीआई का है दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी 834@gmail.com पर आप जो है हमें आरटीआई सेंड कर सकते हैं, या कोई भी आपकी क्यूरी है वो भी आप सेंड कर सकते हैं। गुजरात रीजन की अगर हम बात करें दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 30 और टैक्स असिस्टेंट की 94 वैकेंसी यहां पर रिपोर्ट हो चुकी हैं, कैटेगरी वाइज डाटा आप जो है देख सकते हैं, बाकी मैं अभी आपको चार्ट में भी आगे दिखाऊंगा, ठीक है, तो चार्ट में और अच्छे से आपको दिख जाएगा। टैक्स असिस्टेंट की दोस्तों ये आप देख सकते हैं 287 वैकेंसी यहां पर रिपोर्ट हो चुकी हैं इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है, तो 94 यहां पर अहमदाबाद, ये कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, बेंगलोर के अंदर 49 और ये आपका पुणे जोन, इसमें टैक्स असिस्टेंट की कैटेगरी वाइज मैं बता दूंगा, डोंट वरी। फिर दोस्तों इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की टोटल 59 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है यहां पर, 30 अहमदाबाद में, बेंगलोर में 10 और या 19 इसमें, इसके अंदर पुणे के अंदर, ठीक है, तो ये चीजें हैं। और बाकी दोस्तों आपने जीएसटी इंस्पेक्टर का तो चार्ट ये पूरा देख ही लिया होगा, 2692 वैकेंसी का जो चार्ट है ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका, और भी बहुत सारी चीजें मैं लास्ट वीडियो में बता चुका, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। और ये चार्ट वार्ट दोस्तों आपको सब कुछ यहां पर मिलने वाला है ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लो आप टेलीग्राम को, ताकि आपको एसएससी से रिलेटेड कहीं पर भी भटकने की जरूरत न पड़े, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों जो है, कल मैंने टेलीग्राम पे एक और अच्छी न्यूज़ डाली थी कि जीएफ का नोटिफिकेशन बंद करके अपने टेलीग्राम चैनल का या यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लो कुछ दिनों के लिए, बाकी फिर करते रहना जो मन करे, ठीक है। ये है दोस्तों आपका टोटल वैकेंसी का चार्ट, ठीक है, 10 तरह की वैकेंसी है, ये आप देख रहे हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर की 2692 वैकेंसी है, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340 वैकेंसी हैं, एग्जामिनर की 138 हैं, इनकम टैक्स हो सीबीएन का इंस्पेक्टर जो मैंने आपको बताया 15 वैकेंसी हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 259 हैं, टोटल 4600 ग्रेड पे की 3244 वैकेंसी हो चुकी हैं, एग्जीक्यूटिव की 120 हैं, टीए जीएसटी की दोस्तों 1200 हैं, इनकम टैक्स टीए 287 हैं, सब इंस्पेक्टर में सीबीएन में 18 हैं, यूडीसी की 40 हैं, तो इस तरह से मिला करके ये 480 प्लस में 23 वैकेंसी 4909 यानी कि 4900 प्लस वैकेंसी दोस्तों आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट कह रहे थे कि 5000 वैकेंसी भी नहीं आएंगी, ये नहीं आएंगी, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों 5000 वैकेंसी तो पहुंच चुके हैं, और इसको 5000 को क्रॉस कर देंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्रॉस कर देंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जेएसओ का रिप्लाई मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी, थोड़ा थोड़ा मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं, ठीक है। ये आपका टैक्स असिस्टेंट का है, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का है, ये प्रिवेंटिव ऑफिसर का है, ये एग्जामिनर का है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें दोस्तों आपको मिलेंगी, इसलिए इतनी चीजें आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली हैं, फिर भी दोस्तों भटकना है जिसको वो भटकता रहे, उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी ड्रीम पोस्ट के बारे में दोस्तों जरूर बताएं कि आपकी ड्रीम पोस्ट इस बार क्या है, क्या आप सीबीएन में जाना चाहते हैं, इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं, जीएसटी में जाना चाहते हैं, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को उसी तरीके से जो है लेकर जाएं, फुल और फास्ट ट्रैक बिल्कुल, ठीक है, जिस तरह से वैकेंसी इंक्रीज हो रही है उस तरह से अपनी पढ़ाई का अपना स्कोर भी जो है आपको इंक्रीज होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।